सलमान खान को जोधपुर सेशंस कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को 5 साल की सजा सुनाई काले हिरण शिकार मामले में, जबकि सलमान के साथ दूसरे एक्टर्स जो इस केस में शामिल थे जैसे सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को कोर्ट ने निर्दोष करार देकर उन्हें रिहा कर दिया। आइए नजर डालते हैं 20 साल पुराने इस केस पर। इस सब की शुरुआत हुई सितंबर 1998 से। उनकी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे ने 2 काले हिरणों का शिकार किया राजस्थान के एक छोटे से गांव कंकनी में। अक्टूबर 2, 1998, बिश्नोई समाज के लोगों ने सलमान खान और दूसरे कलाकारों के विरुद्ध पुलिस में कंप्लेंट फाइल की काले हिरण शिकार के मामले में। 12 अक्टूबर 1998, सलमान खान हुए गिरफ्तार काले हिरण शिकार के मामले में और उन्हें बेल पर भी छोड़ा गया। 10 अप्रैल 2006, सलमान को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 25,000 का जुर्माना और 5 साल की जेल भी सुनाई गई। 31 अगस्त 2007, राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान को 5 साल की जेल सुनाई, लेकिन उसके एक हफ्ते में ही उसे सस्पेंड भी कर दिया गया सलमान खान की अपील पर। इसके बाद हाई कोर्ट ने सलमान खान पर लगाए गए आर्म्स एक्ट को भी खारिज कर दिया। 24 जुलाई 2012, राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी दोषी पर कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया। 9 जुलाई 2014, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को एक नोटिस भिजवाई जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के पहले दिए गए फैसले को चुनौती दी। 25 जुलाई 2016, राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान चिंकारा और काले हिरण शिकार मामले में बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहकर कि उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिससे यह साफ हो सके कि गोली सलमान खान के लाइसेंस बंदूक से चलाई गई थी। 19 अक्टूबर 2016, राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, जिसने सलमान खान को बरी कर दिया चिंकारा शिकार के मामले में जो 1998 में हुआ। 11 नवंबर 2016, सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक की याचिका भेजी राजस्थान सरकार को और कोर्ट की हियरिंग दोबारा से शुरू करने के लिए कहा सलमान खान के विरुद्ध। 15 फरवरी 2017, सलमान खान के लॉयर कोई सबूत नहीं पेश कर पाए क्योंकि वो सारे सबूत पहले ही 2 हियरिंग के वक्त पेश कर चुके थे। 28 मार्च 2018, अंत की बहस ट्रायल कोर्ट में ही पूरी हुई, जिसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने आखिरी फैसले पर सुनवाई रोक कर रखी। 4 अप्रैल 2018, हम साथ साथ हैं की कास्ट यानी सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और सैफ अली खान जोधपुर पहुंचे। 5 अप्रैल 2018, जोधपुर कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया जहां सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई और बाकी कलाकारों को बरी कर दिया। 6 अप्रैल 2018, जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान के बेल याचिका पर रोक लगाई है और कहा कि सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। अब इस केस में क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बॉलीवुड की कुछ और खास खबरों के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।